सो है गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूट्यूब की तरफ से आने वाला वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जो कि है यूट्यूब क्रिएटर। दोस्तों उस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो को एडिट करने के लिए, तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों उस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे जो है सो इफेक्ट या फिर ऐसे टूल होना चाहिए जो कि नहीं है। अगर आप उससे एप्लीकेशन से एडिट करते हैं तो आप अपने वीडियो को उस तरह से नहीं बना पाएंगे जिस तरह से आज के वीडियो यूट्यूब पे होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या क्या इस वीडियो में आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको इफेक्ट वगैरह हो गया, टाइटल वगैरह हो गया, इसमें आप वीडियो जो होता है बाकी के एप्लीकेशन में आप वीडियो को काफ़ी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं जो कि इस एप्लीकेशन से आप नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या क्या डिमेरिट है एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू। दोस्तों हम अपने हाथ में एक फ़ोन ले चुके हैं जिसकी मदद से हम आपको दिखाने वाले हैं, साइड में आपको डिस्प्ले पर दिखता भी रहेगा कि क्या क्या हम जो है इस एप्लीकेशन में आपको डिमेरिट बताने वाले हैं, जिससे आपका वीडियो कभी भी अच्छा एडिट क्यों नहीं हो पाता है। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने वीडियो का यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाला एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये इसका इंटरफेस दिखता है, जो कि दोस्तों इस तरीका से आपके फ़ोन में जो है सो इस तरह से एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है। प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है, एलो पे क्लिक करना है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई बैकग्राउंड अगर चाहिए तो ब्लैंक क्लिक पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको कलर पर जाने के बाद आप कोई भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रीन, और यहाँ से हम डन कर देंगे तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत आता है कि आप रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा टफ डिजाइन से। यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे क्लिक करेगा, एस्पेक्ट रेशियो पे जाइएगा, 16:9 वाला ले लीजिए, सेव कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीका से आपका स्क्रीन पर आ जाएगा 16:9 रेशियो वाला साइज। अब दोस्तों अगर आपको कोई मोबाइल स्क्रीन लगाना है तो आपके पास जो है सो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट होने में भी थोड़ा समय लेता है, कुछ ज़्यादा ही समय ले लेता है, जो कि बाकी के एप्लीकेशन में अगर आप क्लिक करते हैं तो उस मीडिया पे क्लिक करते ही आपको टाइमलाइन पे आ जाता है, जो कि इस एप्लीकेशन में नहीं आ पाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आपको यही देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डिस्प्ले आपको देखना पड़ेगा, जिसको जूम करके आपको इस तरीका से बढ़ाना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ्रेम, कोई भी मोबाइल फ्रेम अगर इस स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो इस साइज के अकॉर्डिंग आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप लाख उसमें एडिटिंग क्यों ना कर ले। तो दोस्तों मोबाइल फ्रेम जो है इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो सबसे पहला डिमेरिट इसमें ये भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कहीं पे मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक है या फिर कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिससे आप ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि ये मेरा डिस्प्ले है, इसमें हम कुछ ऐसे चीज़ है जिसे हम ब्लर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और देखिए यहाँ पे इफेक्ट का कोई ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है जिसके मदद से हम यहाँ पे जो है इफेक्ट डालें और उसको ब्लर कर दें, तो ब्लर का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमने डाटा को नहीं कनेक्ट किया है तो हम टेक्स्ट भी बहुत अच्छे टेक्स्ट जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे गोल गोल सर्कल जैसा घूम रहा है, लेकिन ये नहीं पाएगा, लेकिन बाकी के एप्लीकेशन में आप इजीली कर पाएंगे, तो ये भी एक डिमेरिट मिलता है। अगर टेक्स्ट में जाते हैं तो दो ऑप्शन मिलता है, प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे तो प्लेन टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ खास आप जो है सो नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम सबमिट लिख दिए हैं तो एक थोड़ा सा हमको मिल गया है टेक्स्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी हमको इफेक्टिव नहीं मिला है। यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे तो बाकी तरह का फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीका से आप कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था, अगर इस एप्लीकेशन के मदद से आप कोई भी वीडियो को एडिट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव अट्रैक्टिव नहीं बनेगा, और इससे आपका चैनल पे व्यूज नहीं आ पाएगा, क्योंकि इससे बेहतर बेहतर वीडियो एडिटिंग करके बाकी लोग डाल रहे हैं, तो आपका चैनल ऐसे में कभी ग्रो करने का चांस नहीं बनता है। इसीलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन का यूज फिलहाल ना करें, किसी किसी काम के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप वीडियो एडिट करने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज अगर करते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव नहीं बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर लेते हैं, और आपको यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मोबाइल की स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों इस वीडियो में, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था। तो अगर इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कुछ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।